नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच भी भारत ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया और जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 3-0 से भी जीत लिया। तो वहीं क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में ये भारत की लगातार 12वीं जीत है। बता दें कि टीम इंडिया ने T20 में लगातार सबसे ज्यादा जीत के मामले में अफगानिस्तान के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। इस मैच में भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेली और बेहतरीन अर्धशतक लगाया। तो वहीं चहल जैसे खिलाड़ियों ने मैच के दौरान काफी ज्यादा मस्ती की। उन्हें इस मैच में आराम दिया गया था और वो इस मैच में नहीं खेले थे और इसलिए इस दौरान वो मस्ती करते हुए और टॉबल डांस करते हुए दिखाई दी। तो वहीं वेंकटेश्वर अय्यर की बात करें तो उन्होंने मुश्किल कैच पकड़कर कप्तान रोहित शर्मा का इस मैच में दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच हुए आखिरी T20 मैच की कुछ हाइलाइट्स और दिलचस्प बातों के बारे में। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखें। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और आखिरी मैच में भी बाजी अपने नाम की है। धर्मशाला के HBCA स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से एक तरफा जीत हासिल की है। वेल दोस्तों, बता दें कि पहला मैच जो है वो इंडिया ने 62 रन और दूसरा T20 मैच 7 विकेट से जीता था। तो वहीं रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार चौथी सीरीज टीम इंडिया ने जीत ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 146 रन बनाए और किसी भी बल्लेबाज ने दांगी बारी नहीं खेली। यहां तक कि कप्तान शनाक ने भी तूफानी पारी खेली और वो 38 गेंदों पर 74 रन बनाकर नाबाद रहे। शनाका ने अपनी पारी में 9 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा चमिका ने 12 रन की नाबाद पारी खेली। गेंदबाजी कर रही टीम इंडिया की तरफ से आवेश खान ने 2 विकेट लिए। तो वहीं मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल और रवि बिश्नोई ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। 147 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत तो वैसे दोस्तों खराब रही। कप्तान रोहित शर्मा 5 रन बनाकर ही आउट हो गए। इसके बाद संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर ने दूसरे विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी की। सैमसन ने 12 गेंदों पर 18 रन बनाए और वो आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने दीपक हुड्डा के साथ तीसरे विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की। हुड्डा भी 16 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हो गए। बता दें दोस्तों कि साझेदारी के दौरान श्रेयस अय्यर ने T20 इंटरनेशनल करियर का अपना 6ठा अर्धशतक लगाया। जी हाँ दोस्तों, ये उनकी इस सीरीज में लगातार तीसरी 50 है। और तो और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि श्रेयस अय्यर ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने चौके के साथ इस आखिरी मैच को खत्म किया और वो 45 गेंदों पर 73 रन बनाकर नाबाद रहे। इसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल है। तो वहीं रविंद्र जडेजा 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका की तरफ से लाहिरु कुमारा को 2 विकेट मिले और इसके अलावा दुष्मंत चमीरा और चमिका को 1-1 विकेट मिला। दोस्तों, तीसरे और आखिरी T20 मैच में युजवेंद्र चहल की जगह रवि बिश्नोई को मौका दिया गया था। बिश्नोई ने अच्छी गेंदबाजी भी की और 1 विकेट भी अपने नाम किया। बता दें कि इस मैच के दौरान युजवेंद्र चहल जो है वो जमकर मस्ती करते दिखाई दिए और उन्हें टॉबल के साथ डांस करते हुए देखा गया। चहल की टॉबल डांस का ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे क्रिकेट फैंस भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, तीसरे T20 मैच में वेंकटेश्वर अय्यर ने बेहतरीन कैच पकड़कर अपने कप्तान रोहित शर्मा का दिल जीत लिया। बता दें कि पॉइंट के पास फील्डिंग कर रहे वेंकटेश्वर अय्यर के पास तेजी से गेंद पहुंची थी और कैच पकड़ने की कोशिश में गेंद उनके पेट के नीचे के हिस्से में जा लगी। वो दर्द से कराते रहे लेकिन कैच नहीं छोड़ा। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा अय्यर के पास पहुंचे और उनसे बातचीत की। हालांकि अय्यर की ये चोट ज्यादा गंभीर तो नहीं थी और इसीलिए वो बाद में फील्डिंग करते हुए भी दिखाई दिए। दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरा मैच जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने ये सीरीज 3-0 से जीत ली है। दोस्तों, नवंबर 2021 में रोहित शर्मा को भारतीय T20 टीम की कमान मिलने के बाद ये तीसरा मौका है जब भारत ने कोई T20 सीरीज 3-0 से जीती है। इससे पहले टीम इंडिया न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज को हरा चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत ICC T20 रैंकिंग में भी पहले नंबर पर बना हुआ है।
आपको बता दें दोस्तों कि इस सीरीज को जीतने के साथ ही रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल T20 कप्तानों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, क्योंकि वो अपने देश में बतौर कैप्टन 17 मैच जीत चुके हैं। दुनिया के किसी भी कप्तान ने अपने देश के लिए इतने T20 मैच नहीं जीते हैं, और इस मामले में रोहित के बाद जिसका नंबर आता है वो है इयान मॉर्गन और केन विलियमसन, जिनके नाम 15 मैचों में जीत दर्ज है। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।